नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती जो एक तरह से देखा जाए एक बड़ी भर्ती आपकी हो चुकी है, उसके बाद से दूसरे भर्ती की तैयारी चल रही है, लगातार इस पर प्रोसेस जारी है। और ये भी बता दें कि बिहार में ये जान लीजिए कि अगर भर्ती आने वाली है तो उसके लिए पहले से आप नहीं तैयार हैं, मतलब अपने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट नहीं किए हैं, तो फॉर्म आने के बाद जो सोचता है कि मैं प्रिपरेशन कर लूंगा तो उनके लिए समय नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट आपको 2 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। चांसेस ये हैं कि फिर से आपकी वैकेंसी आ रही है, लेकिन इस बार प्राइमरी की भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। इस बार भर्ती जो आपकी 6 से 8 वाली थी, जो उस समय नहीं आई थी, वो आपको देखने के मिलेंगे और काफी अच्छे पद देखने को मिलेंगे। तो इन पदों का सृजन किया जा चुका है, उससे रिलेटेड एक ऑफिशियल जो नोटिस है वो आपके सामने है। मैं बता दूं इसके लिए क्या क्या अर्हता चाहिए, आपको क्या करना है, वो भी मैं डिटेल एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि 6 to 8 में क्या आपको करना है, क्या क्या जरूरी है, बेसिक यहां पर मैं बता दूंगा। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि नई शिक्षक भर्ती जो एक तरह से बोला जाए कि कुछ नए वैकेंसियों का सृजन किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें आपका यहां पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के तो 18,830 है और माध्यमिक शिक्षक के 18,880 पद हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सृजित एवं रिक्त पदों में 6 से 8 31,982 पोस्ट हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर पद ने प्रत्यापित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18,830 पद और 9 से, मतलब 11 और 12 वाला 18,830 पद है। 9-10 के टीचर के फिर से आ रहा है, 11-12 की वैकेंसी भी आ रही है, 9-10 के भी आ रहे हैं कुछ सब्जेक्ट के। अभी अभी एस्टेट आपका हुआ है, एस्टेट आपका यहां पर मांगता है कि आपका 11 और 12 में है तो एस्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और यहां एस्टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर 9-10 का टीचर आपको बनना है क्लास 9-10 का, तो इसकी भी वैकेंसी आपकी आ रही है 18,880 पोस्ट। और 6 से 8 के लिए क्या मांगता है, क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो बेसिकली ग्रेजुएट आपका जो मेन है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो तो होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो 6 से 8 वाले में बीएड को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलना ही है क्योंकि उन्हीं के लिए होता है 6 से 8। ऊपर वाले में भी बीएड ही आते हैं, बीटीसी वाले और डीएलएड वाले नहीं आएंगे, डीएलएड सिर्फ प्राइमरी के लिए। हाँ, प्राइमरी की भी भर्ती कुछ ना कुछ तो बचेगी अगर बीएड बाहर होता है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया गया कि वो प्राइमरी की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। यहां 6 से 8 आ रहा है और 31,982 पोस्ट आपका आ रहा है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो अर्हता होती है, या तो बिहार बीटेट जो पेपर होता है, बीटेट का दूसरा पेपर या सीटेट का दूसरा पेपर, अगर आपका क्वालिफाई है सीटेट का दूसरा पेपर या बीटेट का दूसरा पेपर आपका क्वालिफाई है, तो आप 6 से 8 टीचर बन सकते हो। और यहां पर सब्जेक्ट वाइज देना होता है, जैसे आप सीटेट का जो पेपर देते हो किसमें देते हो, आप मैथ्स ग्रुप के होते हो या साइंस ग्रुप, मैथ्स वाला होता है, मैथ्स साइंस ग्रुप होता है और सोशल साइंस होता है। अब सोशल साइंस में भी आपके सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे टोटल वैकेंसी जो है वो 70,000 के अप्रोक्स में है, 69,600 समथिंग है। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलो ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 69,692 ये है आपका, मैं ऑलमोस्ट ये, हाँ 69,692 जो पोस्ट हैं ये टोटल आ रही है। तो ये बहुत बल्क वैकेंसी आ रही है, सबके लिए मौका है। अभी स्टेट भी हो गया कि अब सभी सब्जेक्ट के स्टेट भी करा लिए गए आपके, और भर्ती भी आ रही है। और ये भर्ती किसी हालत में, मैं बता रहा हूं कि जल्द ही आपके अगले मंथ या इसी मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और दिसंबर या जनवरी तक इसका एग्जाम भी हो सकता है, दिसंबर या जनवरी में ये वैकेंसी, क्योंकि 2 महीना से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। तो जो लोग भी एस्टेट दे चुके हो, आपके पेपर में है हो, और 6 से 8 के लिए जो जितने लोग एलिजिबल थे
खासकर बीएड वाले जिनको प्राइमरी से इतनी मेहनत करने के बाद बाहर कर दिया गया, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो 6 से 8 के लिए तैयार हो जाएं। 31,982 पोस्ट है, 31,982 पोस्ट आपके लिए है, अच्छा खासा पोस्ट है। और जाहिर सी बात है इसको बिहार वाले भी भर सकते हैं और बिहार के बाहर वाले भी भर सकते हैं, उनके लिए भी रहेगा। तो जैसे इससे पिछली वाली वैकेंसी में जो जो चीज़ें रही हैं अपॉर्चुनिटी, वही चीज़ें रहेंगी। और भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त होगी मैं ज़रूर बताऊँगा। एक पूरा डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट की जो वैकेंसी होती है आपकी 6 से 8 में, जो जो पोस्ट होता है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या क्या चाहिए, वो मैं पूरा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो अपने नॉलेज के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती है जो नहीं आने वाली है।